लास्ट वीडियो में जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी वही हम इस वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था उसके ढक्कन वाला पार्ट, जिसमें जितने भी अलग अलग टोन थे वो हमने देखे थे। इस वीडियो में उससे थोड़ा सा आगे का लेंगे। तो यहाँ तक पहुँची थी हमारी कहानी, अब हम इसे अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट म्यूज़िक। तो आज हम ये वाला पार्ट करने वाले हैं जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले उसमें जितनी भी लाइंस या जो भी अलग अलग शेप दिख रहे हैं वो हम एक अलग अलग शेप समझेंगे और उसी की तरह अपने ड्राइंग में इंक्लूड करेंगे वो सारी लाइन को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सारी वो लाइन क्रिएट करने के बाद एक बेस बनेंगे हमेशा की तरह, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि सबसे पहले हम ऐसा समझेंगे कि पेपर को फील करना है एक लाइट पेंसिल से। तो यहाँ इतना ज़्यादा लाइट नहीं है, थोड़ा सा डार्क पोर्शन है ये, तो हम बेस बनने के लिए बी का यूज़ करेंगे। पिछले वाले में हमने 2H का यूज़ किया था और बी के ऊपर फिर 2B और उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो 4B, वैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। बट जो भी पोर्शन है हम शेडिंग पोर्शन टू पोर्शन करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा पहले फील कर देंगे, वैसा नहीं करेंगे। जो छोटी छोटी डिटेल्स है उसे मार्क करते हुए चलेंगे वरना वो छूट जाएगी। जैसे कि कुछ लाइंस हैं जो डार्क यहाँ पे दिख रही है, तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डार्क मैंने कर ली है ताकि वो आगे चल के रह ना जाए। और पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी पेपर के बारे में, तो ये थोड़ा टेक्सचर पेपर था, फैब्रियानो 200 GSM। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि इसके अंदर जो छोटे छोटे डॉट्स वाली जो इफ़ेक्ट है इस कैटल में, वो हमें देने के लिए कुछ अलग से हमको कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टेक्सचर है तो वो इफ़ेक्ट अपने आप ही आ गई है। हमें वो टेक्सचर लाने के लिए कुछ अलग से पेंसिल या छोटे छोटे डॉट्स ऐसा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस कैटल बनाने के लिए थोड़ा सा टेक्सचर पेपर ज़्यादा अच्छा रहता है, ये मुझे इससे सीखने को मिला। आगे चल के हम और भी पेपर यूज़ करेंगे और देखेंगे हमें अलग अलग कितनी जानकारियाँ मिलती हैं। तो यहाँ केटल का जो ऊपर का हिस्सा था वो कंप्लीट होने वाला है। इस नीचे के पार्ट में 3 शेड दिख रहे हैं, एक साइड बहुत ज़्यादा डार्क है और बीच में लाइट है, पर ये इतना ज़्यादा लाइट भी नहीं है जिसे हम लाइट टोन कह सकें, मिड टोन में आएगा। पर अगर हम सिर्फ इसी को कंपेयर करें तो एक है डार्कर पोर्शन, एक उससे थोड़ा लाइट है और फिर अगली साइड फिर थोड़ा सा डार्क है। तो इस तरह से हम 3 शेड को समझेंगे। लेयर्स टू लेयर्स जाना ही इसमें सबसे जो सीखने वाली बात है वो यही है, मैंने यही सीखा है ये सब कुछ बनाते बनाते, कि जितना आप लेयर्स टू लेयर्स काम करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा ये होता जाएगा। जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब जैसे कि यहाँ पे बीच में भी एक शेप बन रहा है, अगर आप पिक्चर को जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि 2 लाइन साइड से आ रही है, फिर कुछ इमारत जैसा बन रहा है नीचे से। तो ये सारे शेड आपको देख के उसे अप्लाई करना है। यूं ही समझे कि जो भी छोटा सा भी फ़र्क आपको अगर दिख रहा है तो उस डिटेल को आप देने की कोशिश करो। मैं ये नहीं करूँ कि जब आकर अगर आप पहली बार कुछ करने को बैठ रहे हो तो सब कुछ आपको दिखेगा, सब कुछ
करेक्ट ही होगा, हो सकता है ना भी हो, तो फिक्र मत कीजिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ आपको अपने आप समझ में आती जाएगी। और जो ये लाइट डार्क हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जब आप नेचुरल लाइट में काम कर रहे हो और बारिश का मौसम हो और बादलों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है आपको डिस्टर्ब करने में, तो ऐसी वीडियो बनती है, और जो एडिटिंग से भी सही नहीं होती, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जैसे कि अभी ऐसा ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से ये कुछ टूटा हुआ सा, पर ये ऐसा है नहीं, आगे चल के ये ठीक हो जाएगा। यहाँ मैंने सबसे पहले जो डार्क वाला पोर्शन था, जो मुझे सबसे ज़्यादा डार्क लग रहा था, वो मैंने सबसे पहले अलग कर लिया, मतलब उसे थोड़ा डार्क पहले से ही दे दिया ताकि मुझे बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अभी आप देख रहे हो तीनों पोर्शन अलग दिख रहे हैं, जैसे कि बीच वाला लाइट है, उसके बाजू में थोड़ा सा डार्क है, इस साइड भी डार्क है, और जैसे कि आप यहाँ मैंने पिक्चर भी दिखाई, देखो ये दिख रहा है थोड़ा इमारत जैसा, तो वो भी मैंने पहले से दे दिया था। और ऊपर आप देखोगे तो थोड़ा जैसे कि कोई गले का हार हो वैसा कुछ दिख रहा है, तो वो भी शेड हमने थोड़े से देने की कोशिश की है। अभी जो भी मार्किंग करनी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम सिर्फ सब हम लेयर थ्रू लेयर काम करते जाएंगे, और जितना ज़्यादा डार्क हमें चाहिए तब तक हम पेंसिल के लेयर्स लगाते जाएंगे। इस बीच में हम थोड़ा थोड़ा बी और 2H भी घुमाते जाएंगे ताकि जो हमारे शेड हैं वो थोड़े ब्लेंड होते जाए, जो पेंसिल की जो लाइंस दिख रही है ना टक 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 छोटी छोटी, वो सब नहीं दिखेंगी जब हम इसके ऊपर बी या 2H ऐसा कुछ घुमाएंगे। इससे पहले जो मैं कर रही थी, मैं जब भी स्टिल लाइफ या कुछ भी बनाती थी विदाउट ब्लेंडिंग मैंने कभी कुछ नहीं बनाया, तो जब भी हम ऐसे सारी पोजीशन मार्क कर देते हैं उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं स्टम्स या ब्रश या कॉटन बर्ड्स कुछ भी लेके। बट सच कहूँ तो ये ऐसे बनाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जब हम ब्लेंड नहीं करते तो जो शेप हमने पहले से जब ड्राइंग के टाइम पे जो शेप हमने मार्क किए होते हैं वही हमारे लास्ट तक चलते हैं। ब्लेंडिंग से क्या होता है कई बार शेड इतने ज़्यादा फैल जाते हैं या फिर मिस्टेक्स भी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है, मेरे साथ ऐसा होता है। जैसे कि एक जैसे कि डार्क टोन से हम मिड टोन तक आगे बढ़ते हैं तो बीच में यहाँ पे ऐसा है कि लाइंस है और वो लाइंस क्लियरली दिख रही है, आपको उसे फेड नहीं करना है। इस वाले कैटल की बात मैं कर रही हूँ, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। अगर पोर्ट्रेट वगैरह उन सब की बात मैं अभी यहाँ नहीं कर रही हूँ, स्टील लाइफ की बात कर रही हूँ इसी कैटल की, क्योंकि ये ऐसा है कि आप क्या बना रहे हो उस हिसाब से आप अपनी टेक्निक चूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप जैसे स्टिल लाइफ बनाते हो वैसे ही आप पोर्ट्रेट बनाओगे, वैसे ही आप कुछ जैसे कि लैंडस्केप या ऐसा भी कुछ बनाते हो, तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसी टेक्निक से कुछ और नहीं बन सकता, जो भी आप बनाओगे वैसा बनेगा, पर आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आप अपनी टेक्निक चूज़ करो। अगर मुझसे पूछो, मेरी बात करो, तो इस स्टिल लाइफ में विदाउट ब्लेंडिंग मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अभी, पर यही टेक्निक अगर मैं पोर्ट्रेट में यूज़ करूँगी तो ऑब्वियसली वो पोर्ट्रेट मुझे तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पोर्ट्रेट अगर मैं सोचूँ तो स्मूथ ही होना चाहिए। मैं जितने भी मैंने बनाए हैं वो सारे स्मूथ इफेक्ट के साथ ही बनाए हैं, तो इसलिए अगर जब पोर्ट्रेट बनाने बैठूंगी तो मैं ब्लेंडिंग के साथ ही बनाऊंगी, उसके लिए उस हिसाब का पेजेस लूंगी, उस हिसाब के मटेरियल लूंगी। बट स्टिल लाइफ के लिए विदाउट ब्लेंडिंग टेक्निक मुझे बहुत पसंद है। और जैसे ये वाला पार्ट है वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए, पर इसके लिए हमेशा की तरह हम ये नहीं करेंगे कि डायरेक्ट 8B या 6B ले लेंगे, वैसा नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। पहले हमने बी का बेस दिया था, अभी हम 2B या 4B चला रहे हैं। अभी ये ड्राइंग पहले करके आवाज़ बाद में देना ना बहुत मुश्किल काम है, पर क्या करें, ड्राइंग करने के साथ साथ बोलना भी तो मुश्किल है। जैसे कि आपको अभी वहाँ पे दिख रहे हैं ना छोटी छोटी लाइंस वगैरह, तो जब हम उसे बी या 2H से वापस फील करेंगे तो वो सारी लाइन अपने आप में ही मर्ज हो जाएंगी, तो वो ऐसा कुछ अलग नहीं दिखेगा, वो आपको ये वीडियो ख़त्म होते होते पता चल जाएगा। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है ढक्कन के बिल्कुल नीचे वाला,
वहाँ बहुत सारी लाइन है, बहुत सारे शेड्स हैं अलग अलग, क्योंकि वो बहुत सारे काउज है उसमें, तो वहाँ पे आपको संभाल के काम करना होगा, क्योंकि साइड टू साइड आपको देख के चलना होगा कि दोनों साइड से ठीक से लाइन आप करो, एक के ऊपर फिर एक के नीचे, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा अगर हो जाएगा तो वो जो कंटिन्यूसली जो दिख रही है ना, जैसे मतलब हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा एक कर्व है, वो कर्व नहीं आएगा। इसलिए आप दोनों तरफ देखें, एक लाइन जब आप खींचो तो दोनों तरफ देखो, एक लाइन यहाँ से तो सामने भी वैसा ही है ना, आप अपनी पिक्चर में देख के काम करो। तो हमारी वीडियो का टाइम ये पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन बाय, गुड प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।